इलाके में हुआ बम विस्फोट। चटपटी गॉसिप्स, लेटेस्ट स्कैंडल्स और धमाकेदार न्यूज के लिए स्टे ट्यून ऑन योर फेवरेट चैनल मसाला न्यूज। प्यार में डूबे राहुल ने की अपनी प्रेमिका जाह्नवी की हत्या। जब हालात ने दोनों प्रेमियों को मिलने नहीं दिया तब राहुल ने अपनी प्रेमिका को एक बिल्डिंग से नीचे फेंककर उसकी हत्या कर दी। आतंकवाद से निपटने के लिए देश की सरकार को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, जैसे कि आपने देखा इस विषय पर सभी की अपनी अपनी प्रतिक्रिया है। दिन दहाड़े हुआ मौत का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं कल शाम हुए बॉम्ब ब्लास्ट। नमस्कार, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है मशहूर क्रिकेटर अजहर पठान। अजहर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सिंदूर छूटे, बेटे खोए और कई हुए अनाथ, आतंकवाद ने एक बार फिर बनाया बेकसूर लोगों को अपना शिकार। और बिजनेस वर्ल्ड में दिन ब दिन बढ़ रही है दुश्मनी दोनों भाइयों की। यमराज बने मेहमान ठीक कल शाम 7 बजे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर इलाके में हुआ एक बॉम्ब ब्लास्ट। फिल्म इंडस्ट्री में फैला हुआ है अंडरवर्ल्ड का जाल। फिल्म कब रिलीज होगी, दिवाली पर या ईद पर, ये तय करता है विदेश में बैठा डॉन। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन फैला रहा है मौत का जाल। एक पल में हस्ती खिलती जिंदगी बन गई अंधेरी मौत। सास बहू के शो में सासों ने जीती बाजी, बहुओं की जोड़ी हार। ब्रेकिंग न्यूज में देखिए आतंकवाद पर हमारा विशेष राम वर्सेस अल्लाह। क्या आत्माएं सचमुच बोलती हैं? आतंकवाद का चेहरा बड़ा ही भयानक। चेहरे को दिन भर खिला रखने के लिए इस्तेमाल। क्या कलयुग में होगा कृष्ण भगवान का फिर से अवतार? आतंकी अवतार ने कलयुग को निकला। प्यार में डूबे राहुल ने की अपनी प्रेमिका जाह्नवी की हत्या। क्या काला जादू सचमुच मुमकिन है? इस बार 2020 लीग की क्या प्रतिक्रिया होगी? आतंक के साए में मौत का तमाशा। मुजफ्फरनगर हमारे साथ नमस्कार। तिरालीस मौत, 55 घायल, 19 गंभीर। देश में बॉम्ब ब्लास्ट होना इतनी आम बात हो गई है कि ब्रेकिंग न्यूज तो क्या, अब तो ये न्यूज कहलाने के लायक भी नहीं रह गई। एक बार फिर देश के हिंदुओं का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। सभी उंगलियां उठा रहे हैं देश में रहने वाले सभी मुसलमानों के। एक बार फिर कहा जा रहा है कि अगर हिंदू मुसलमान में कोई रिश्ता हो सकता है तो वो है सिर्फ नफरत। मैं एक प्रश्न पूछना चाहूंगा आपसे और खुद से भी। समीर खान फिल्म सुपरस्टार के तौर पर करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। अपनी फिल्मों में अक्सर हिंदू किरदार निभाते हैं। उनके करोड़ों फैंस से मैं पूछना चाहूंगा कि आपको जानकारी नहीं है कि समीर किस धर्म के हैं? अगर हम इस सोच पर यकीन करें कि इन दोनों कौमों में सिर्फ मतभेद और नफरत का रिश्ता हो सकता है तो उसी यकीन के अनुसार समीर खान को इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाना चाहिए। ऐसे कई लोग हैं जो हिंदुओं में लोकप्रिय हैं और ऐसे कई नाम हैं जो मुसलमान सराहते हैं। कुछ चुनिंदा अवसरवादी लोगों की कट्टरपंथी सोच का नाम ही कौमी नफरत है। ये बात आप और हम जानते भी हैं और सोचते भी हैं। क्यों बनाते हैं हम इसे अपनी सोच? क्यों? जरा सोच कर देखिए। काश तुम मुझसे भी उतना ही प्यार करते जितना तुम विजय हर्षवर्धन मलिक से करते हो। गॉड, यू आर ऑब्सेस्ड विद द मैन। ऑब्सेस्ड नहीं, रिस्पेक्ट करता हूं। और तुम्हें भी करनी चाहिए। हेलो, मैं अपनी लाइफ में बहुत बिजी हूँ, मेरे पास किसी को रिस्पेक्ट करने का टाइम नहीं है। जानता हूँ तुम्हें देश की प्रॉब्लम से ज्यादा फिल्मों के गॉसिप में इंटरेस्ट है। अरे, व्हाट्स रॉन्ग? गॉसिप इज एटलीस्ट एंटरटेनिंग। ओके, लेट्स नॉट स्टार्ट दिस अगेन। मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा कि मैं कल से विजय सर का चैनल ज्वाइन कर। ओह गॉड, नॉट अगेन, गिव मी अ ब्रेक पूरा। अच्छा, मैं निकलती हूँ, सी यू लेटर। Have a good day. आज हॉले हॉले हेयर रिमूवर का एड शूट है, शाम को देर हो जाएगी, खाना बना लेना। और हाँ, अपनी फेवरेट करेले की सब्जी नहीं। बाय बाय।
9 महीने पहले देश में अब तक का सबसे बड़ा आतंकी हमला हुआ। जवाबदार मंत्रियों ने देश के सिक्योरिटी सिस्टम को ठीक करने का वादा किया और आज फिर बम ब्लास्ट हुआ। इतने हमलों के बाद भी हमारे सिस्टम ने अपनी गलतियों से क्या कुछ नहीं सीखा? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी गलतियां आदत और मजबूरी में तब्दील हो गई हैं? अगर ऐसा है तो हमारी ये स्थिति आतंकवाद से भी ज्यादा खतरनाक है। That is just terrific. ज्यादा खतरनाक। Yeah, he is. मैं सोच कर देखिए। But our channel is not. What? डैड को लगता है मीडिया का फर्ज है जनता की सेवा करना। So, isn't he right? Yeah. लेकिन अगर डॉक्टर खुद बीमार पड़ जाए तो मरीज को क्या इलाज करेगा? क्या मत? हमारा चैनल एक सिक्योर यूनिट बन रहा है। यस, लाइमन कोला हमारे साथ डील रिन्यू नहीं करना चाहती। आरटीआरपी से फॉलन टू एन ऑल टाइम लो। वो जो नया शो हम शुरू करने वाले थे कॉमन मैन, उसका क्या हो रहा है? हेडलाइंस 24 ने कल से एक नया शो लॉन्च किया है। शो का नाम है आम आदमी। सर आप तो जानते हैं आजकल आइडियाज कम, कंपटीशन ज्यादा है और हर आदमी एक चलता फिरता स्पाई कैमरा। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कीप अ सीक्रेट। और हो सकता है यही आइडिया उन्होंने ही भी सोचा हो। आई डोंट नो, दीस थिंग्स आर हार्ड टू टेल। आई'd लाइक टू टेक अ लुक एट दिस। यस, इन टुडेस टाइम्स बिजनेस उसूलों पर नहीं चलता। पर जय, मीडिया कोई बिजनेस नहीं है। यू आर मिसिंग द पॉइंट। जैसे कपड़े साबुन सब एक बिजनेस है ना, वैसे ही न्यूज चैनल भी एक बिजनेस ही है। पैसा लगता है उधर, और जहां पैसा लगता है वहां सिर्फ एक ही मकसद होना चाहिए, पैसा बनाना। पर जय, तुम्हारे डैड को तो सब मानते हैं, फिर प्रॉब्लम कहां है? सब नहीं, सिर्फ तुम्हारे जैसे एजुकेटेड लोग। एंड दैट मेक्स नो डिफरेंस टू माय चैनल्स बिजनेस। और ये जो नंबर वन चैनल है ना, हेडलाइंस 24, उसे चलाने वाला ना ही डैड की तरह टेरिफिक है, ना ही उसकी कोई इज्जत करता है, फिर भी है ना रोलिंग टॉप पर। कौन? कुछ साल पहले तक हमारे अंडर एक मामूली नौकर था। अमरीश कक्कर। अब समझ में आया किन तरह के गधों को मैंने पाल रखा है अपने चैनल में। तुम लोग वो हेडलाइंस 24 में नहीं, इंडिया 24/7 में होना चाहिए, विजय हर्षवर्धन मलिक के साथ। कितनी बार कहा है, न्यूज को मसाला बनाकर बेचो। अब सुनो, इन बेंजियों को हटाओ, उनकी जगह खूबसूरत मॉडल्स ले आओ, उन्हें बीच पर ले जाओ, छोटे छोटे कपड़े पहनवाओ और फिर उनसे मौसम का हाल सुनवाओ। जिन्हें सुनना है वो सुनेंगे, जिन्हें देखना है वो देखेंगे। रिमेंबर, प्रेजेंटेशन इज एवरीथिंग। प्रेजेंटेशन इज नॉट एवरीथिंग। खबर की सच्चाई को नाप कर उसे जनता तक पहुंचाना ही मीडिया का लक्ष्य होना चाहिए। हो सकता है हमारे उसूलों की वजह से अन्य चैनल्स के मुकाबले हम थोड़ा पीछे चल रहे हों, पर ये कोई रेस नहीं है। खुद को परखना है तो खुद से पूछ कर कि हम में कितनी ईमानदारी है, कितना हुनर, कितनी निष्पक्षता है। इन्हीं सवालों के जवाब पर इंडिया 24/7 खड़ा है और खड़ा रहेगा। हाय डैड। जो जरूरत प्राइम मिनिस्टर हुडा को कई महीनों से महसूस हो रही थी वो आज पूरी हो गई। व्हाट जरूरत डैड? हुडा कई दिनों से कह रहे हैं कि देश में आतंकवाद के खिलाफ मौजूदा कानून से कई गुना ज्यादा ताकतवर एक लॉ की जरूरत है, लेकिन ऑपोजिशन लीडर मोहन पांडे उनसे सहमत नहीं है। हालांकि आज की ओपिनियन पोल बम ब्लास्ट के बाद कह रही है कि देश की जनता हुडा के साथ है। आपको क्या लगता है? मुझे विश्वास है हुडा पर। कई सालों के बाद देश को ऐसा नेता मिला है। आई लाइक हिम। या Yes, I said I'll get back. तुम्हारे जीजू चाहते हैं कि इंडिया 24/7 पर उनकी कंपनी की तारीफ की जाए।
I'll speak to him, Dad. आज सुबह प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा ने मुजफ्फरनगर जाकर वहां हुए बॉम्ब ब्लास्ट की जगह का पूरा मुआयना किया। इस ब्लास्ट में मरने वाले बेकसूर लोगों और उनके परिवार वालों के दुर्भाग्य से भी बढ़कर दुर्भाग्य मेरा। समस्या का हल जानते हुए भी कुछ न कर पाना, इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या हो सकता है। आतंकवाद से लड़ने के लिए इस देश में एक सख्त एंटी टेरर एक्ट की जरूरत है। अगर हम अब भी नहीं समझेंगे तो फिर कभी नहीं समझ पाएंगे। अपनी इस नासमझे की सजा हम ऐसे ही पता नहीं कितने हमलों के रूप में अपने देशवासियों को देंगे। इस माहौल में ऐसे सख्त कदम की जरूरत प्रधानमंत्री के साथ साथ अब पूरे देश को भी महसूस हो रही है। लेकिन इसके बावजूद इस बिल का कट्टर विरोध कर रहे हैं अपोजिशन पार्टी के लीडर मोहन पांडे। ढोंग है ये बिल, एक सरासर ढोंग है। बॉम्ब ब्लास्ट का फायदा उठाकर पूरी सत्ता हथियाने का ये नया तरीका है हुडा जी का। भाई हुडा जी तो इस तैयारी में लग गए हैं कि कब इस बिल को वो पास कराएं और कब उनकी सरकार लाइन आर्डर का दुरुपयोग शुरू कर दे। सच तो ये है कि हुडा जी इस देश में बने हुए डर के वातावरण का गलत फायदा उठाना चाहते हैं। इस देश को नए कानून की जरूरत नहीं है, जरूरत है सख्त से सख्त कदमों की। हुडा जी की इस हिटलर बनने की चाल का हम पूर्ण जोर विरोध करेंगे। और इसके साथ ही बेस्ट एक्टर का अवार्ड जाता है मिस्टर मोहन पांडे को। चीयर्स। पर इस बॉम्ब ब्लास्ट के बाद जनता का सारा सेंटीमेंट हुडा जी की तरफ घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रधानमंत्री दिग्विजय हुडा इस समस्या से जूझकर कामयाबी जरूर हासिल करेंगे। जनता का अटूट विश्वास और समर्थन उनके पास है। ये मीडिया की आजकल हुडा का बहुत धंधा बजा रही है। क्या लगता है क्या होगा? क्या नहीं होगा ये पूछिए नवीन जी। अगर हुडा का जादू ऐसा ही चलता रहा तो मैं कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाऊंगा। और आप अपने चचेरे भाई को हटाकर एक नंबर के उद्योगपति नहीं बन पाएंगे। क्या करें, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ तो करना पड़ेगा। लेकिन क्या? मुझे लगता है मोहन पांडे बिल्कुल ठीक बोलता है। उड़ा तो बस देश का उल्लू बना रहा है। प्लीज नंदिता, तुम क्या जानती हो पांडे के बारे में और फॉर दैट मैटर हुडा के बारे में? आई डोंट बिलीव लोग बस बिना सोचे समझे तय कर लेते हैं कि कौन क्या है। दैट पांडे इज अ बास्टर्ड। कम ऑन या पूरब, बी फेयर। आई मीन द गाय इज अ पॉपुलर लीडर। मेरे समझ में नहीं आता ये लीडर है क्या। तुम्हारी तरह मेरी तरह वो सिर्फ एक नौकरी कर रहा है, कोई एहसान नहीं। और वैसे भी नंदिता, देश को एक सिस्टम चलाता है और तुम और हम उस सिस्टम का सिर्फ एक हिस्सा। आई गिव अप पूरब, आई गिव अप। मैं तुमसे बातों में नहीं जीत सकती। ओके बाय। रुको रुको रुको, जय कंप्यूटर के जमाने में टाइपराइटर नहीं चलता। तुम्हारे डैड इस चैनल को मंदिर की तरह चलाना चाहते हैं, लेकिन वो समझते नहीं कि आजकल लोग मंदिर में बैठे उस भगवान से भी एंटरटेनमेंट चाहते हैं। इट्स गेटिंग बैड। हां, आपसे मिलने पूरब शास्त्री आए। पूरब? हां हां, भेज दो सर। सो इट्स गेटिंग रियली डिफिकल्ट एंड हाय पूरब, हाय, वेलकम टू इंडिया 24/7। थैंक यू। जय, दिस इज पूरब, न्यू रिक्रूट। पूरब, दिस इज जय। हाय। सो व्हाट डू वी डू जय? Just send the papers. खुद चेक कर लूंगा मैं। Okay. Yeah. Come, Pura. Come. इंटरव्यू में तो तुमने बहुत फॉर्मल सा जवाब दिया। Now that you got the job, क्या मैं जान सकती हूँ असली जवाब क्या है? I mean, India 24/7 ही क्यों? जवाब वही है। I want to work for Vijay Harshvardhan Malik. बहुत बड़े फैन हो? उनके आर्टिकल्स पढ़कर, शोज देखकर बहुत कुछ सीखा है। अब यहाँ काफी और कुछ सीखोगे। Anyway, तुम्हारा वर्क टेस्ट रेडी है, द मिडिल टेस्ट पे है। या सी यू। थैंक्स मैम। मैम, डू आई लुक सो ओल्ड? नलिनी, कॉल मी नलिनी, ओके? एंड पूरा, द जेंटलमैन देयर इज अ पर्सन कॉल्ड आनंद प्रकाश त्रिवेदी, हमारे स्पेशल शोज के क्रिएटिव एडिटर। किसी भी चीज के बारे में पूछना हो, जस्ट फील फ्री टू आस्क हिम। या गुड लक।
मुझे लड़के पसंद हैं। ऐसा लड़कियां नहीं, लड़के कह रहे हैं। सोचिए मत, हम बात कर रहे हैं उस चलन की जिसने रिश्तों की मर्यादा और उसकी परिभाषा ही बदल के रख दी। क्या करेंगे आप? क्या करेंगे आप जब आपका बेटा आपसे ये कहेगा, माँ मुझे लड़के पसंद हैं। जानने के लिए देखिए आज का हमारा स्पेशल, मुझे लड़के पसंद हैं। आनंद प्रकाश त्रिवेदी, लॉगिन करने के बाद अपना पासवर्ड चेंज करना मत भूलना, नहीं तो आपकी सारी स्टोरी हम चुरा लेंगे। कितनी बार कहा है विजय सर को, कितनी बार, मुझे एक चांस दो, एक चांस अपनी सोच से काम करने के लिए। हेडलाइन 24 की छुट्टी कर दूंगा। सुना है लाइम एंड कोला ने भी अपने हाथ खड़े कर लिए। अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडिया 24/7 को बहुत जल्दी बॉटल करना पड़ेगा। मेरी पीआर एजेंसी ने मुझसे बिना पूछे तुम्हारे प्रोग्रामिंग डिपार्टमेंट को फोन कर दिया। यू नो दे प्रिज्यूम्ड दैट इंडिया 24/7 तो मेरा अपना चैनल है। आई मीन इट। लिसन, आई नो योर डैड। Why would I do it? How is everything else? Everything else is good. You know, Jay, it's not exactly easy to live with your sister. तुम्हारे जीजू के साथ रहना। Anyway, हमारा ये soap opera तो चलता ही रहेगा। तुम सुनाओ। How's Yasmin? Yasmin? Yasmin ही नाम है ना उसका? And don't try to lie to me. I've heard about the two of you. And ye mat poocho kahan se. I have my sources. By the way, I hope tum usko lekar serious nahi ho. Why? She's Muslim, right? Mom ko tum jante ho. Priya, I love Yash. Kabhi na kabhi to mom ko batana hi padega. Milengi ek nayi chatpati story ke saath sirf India 24/7 par. Tum yakin nahi karogi ki Trivedi kitna bada joker hai. I'm surprised ऐसा जर्नलिस्ट इंडिया 24/7 में काम कर रहा है। उफ़ पूरब, हर कंपनी में हर तरह के लोग काम करते हैं। Just chill. मुझे तो लगता है विजय सर को पता ही नहीं है त्रिवेदी अपने दिमाग में किस किस तरह की क्रिएटिविटी लेकर घूमता है। Talking of your विजय सर, कैसा रहा हमारे लव ट्रायंगल का तीसरा एंगल? Great. Yeah, what did I expect? और बाकी कलीग्स? नलिनी कश्यप, she's the CEO. अच्छा. A very nice lady. और विजय सर का बेटा भी था, जय मलिक। How was he? That's it? No. क्या हुआ? Not for me. I just turned Rajma. क्या? अचानक? क्यों भाई? अरे just like that. What do you mean? Just like that या किसी के कहने पर? मैं किसी की नहीं सुनता, you know that. So just chill. जो किसी की नहीं सुनता वो अपनी girlfriend की जरूर सुनता है, है ना? Girlfriend? तुम भी? She's just kidding. हाँ, खाना खा रहा हूँ, बोलो। Okay, I'll watch it. Thank you. Jay, do me a favor. Yeah. Can you put on headlines 24, please? Please. Yeah. Thank you. आज की कलयुग में जहां आम आदमी से लेकर करोड़पति और अरबपति भी अपने अपने कमरों में चैन की नींद सो रहे हैं, हमें देखने मिला है साक्षात दानवीर कर्ण का अवतार। उत्तराखंड में बाढ़ की महामारी से पीड़ित कई सैकड़ों लोगों का मसीहा बनकर आए हैं शंकलिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के सीईओ नवीन शंकलिया। पापा, yep. मुफ्त में पापा। पार्टी जा रहे हैं लाइमन कोला। मुझे नहीं पता था आपके हेडलाइंस 24 में भी दोस्त है। These are just my PR guys. They're doing the job. You know how it is. Thank you. By the way, Dad, London से कुछ investors आए हुए हैं. And they have pots of money. और वो चाहते हैं कि television news industry में कुछ पैसे invest करें. Of course, I recommended India 24/7. जय, मैंने उनसे कहा है कि तुमसे मिलने हो. नवीन, एक न्यूज चैनल को किसी से भी कोई भी तरह का एहसान नहीं लेना चाहिए। इसमें एहसान की क्या बात है डैड? दे माय फ्रेंड्स, दे ट्रस्ट माय वर्ड, वो मेरे लिए करेंगे।
तुम्हारे लिए कोई कर रहा हो या तुम खुद कर रहे हो क्या फर्क पड़ता है? बिना फायदे के कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता। रन ऑफ लंचेस डाल दे। सॉरी।